पांच ऐसे उपाय बताने वाली हूँ, अगर उसको आप ईमानदारी से फॉलो करेंगे तो आपकी कमजोरी दूर होनी ही होनी, ये मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ। मैं इतने विश्वास के साथ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिनको भी मैंने ये उपाय बताए, वो ईमानदारी से अगर इनको फॉलो किए हैं ये पांचों उपाय को, तो उनका वीकनेस दूर हो गया है। उन्होंने मुझे खुद बताया कि हाँ आपके सारे उपाय मैंने घर पे, क्योंकि बहुत ही आसान उपाय, कोई कठिन उपाय तो है नहीं, आप आसानी से घर पे कर सकते हैं, और उनका वीकनेस दूर हो गया, जबकि वो कई सालों से कमजोरी को फेस कर रहे थे। कई लोग तो ऐसे हैं कि 25-30 साल के, और उनको महसूस हो रहा है कि 50-60 साल के हो गए, थोड़ा भी काम करने का मन नहीं करता है, या थोड़ा सा काम कर लेते तो ऐसा लगता है कि कितना काम कर लिए, हमेशा बेड पे पड़े रहने का मन करता है, मतलब एक्टिव वो फील नहीं करते। और कई लोग तो ऐसे हैं जो कोई बीमारी से ग्रस्त हो गए थे, जैसे डेंगू मलेरिया टाइफाइड ये सब हो जाता है तो उसके बाद वीकनेस फील होती है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको कोरोना वायरस हो गया, और कोरोना वायरस निगेटिव होने के बाद उनको वीकनेस फील हो रहा है, कुछ खाने को मन नहीं करता है। तो चलिए मैं आप पाँच उपाय बताती हूँ कि कैसे आप अपनी कमजोरी को दूर कर सकते हैं। पहला उपाय, 15 से 20 मिनट रोज खाली पेट आपको कपालभाति करना होगा। कपालभाति करने से हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन की कमी होती है वो दूर होने लगती है। जी हाँ, कपालभाति से हमारे हीमोग्लोबिन की कमी भी दूर होती है। अगर प्लेटलेट्स कम हो गया है तो आप पपीते के पत्ते का काढ़ा बना सकते हैं। आप एक पपीता का पत्ता 1 गिलास पानी में आप उबालें, जब वो 1 गिलास पानी आधा गिलास हो जाता है तो आप उसे ठंडा करके पीजिए। ऐसा आपको रोज करना है, लगातार 1 हफ्ते तक करना है, तो प्लेटलेट्स जो आपका गिर गया है, कम हो गया है, वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। अगर आपको वीकनेस फील हो रहा है तो ये जो गिलोय है इसको आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, अपने आसपास भी आप ढूंढिए, आपको मिल जाएगा, झाड़ी के रूप में कहीं भी नदी नाला में भी आपको इजीली मिल जाएगा। ऑनलाइन परचेज कीजिए, 100-200 में ऑर्डर कीजिए, आराम से 2-3 महीने चलेंगे। इसका काढ़ा बना करके पीना है। इसका काढ़ा कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैं अपने चैनल पर डाली हूँ, आप सर्च करके देख सकते हैं। गिलोय का काढ़ा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि अगर आप किसी बीमारी की वजह से कमजोरी फील कर रहे हैं, चाहे मतलब कोई भी बीमारी, जब बीमारी ठीक हो जाती तो उसके बाद हमारा शरीर कमजोर हो जाता, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती, इसलिए हमें कमजोरी फील होती है, तो अगर आप गिलोय का काढ़ा रोज सुबह शाम पियेंगे तो बीमारी के वजह से जो कमजोरी महसूस हो रही है वो दूर हो जाएगी, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि गिलोय का काढ़ा पीने से इम्यूनिटी बहुत जल्दी बढ़ती है। 1 दिन में इसका असर आपको महसूस होगा। अगर आप सुबह और शाम दोनों टाइम खाली पेट गिलोय का काढ़ा पी लेते तो 1 दिन में आपको इसका असर महसूस होगा, आपको जो बीमारी के वजह से जो कमजोरी महसूस हो रही है वो दूर हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। आप लगातार इसको कीजिए, आप लगातार कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 7 दिन करना, आप रोज कीजिए, कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। ये जो साइज मैं बता रही हूँ ये 2 लोगों के लिए। तीसरा उपाय, 1 गिलास पानी ले लीजिए, इसमें 1 चम्मच आपको हल्दी डालना है, गुनगुना पानी होना चाहिए, और इसको अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद इसको रोज सुबह खाली पेट पीना है, शुद्ध हल्दी होना चाहिए। पैकेट में जो हल्दी आता है वो मिलावटी आजकल आ रहा है, तो आप घर पे ही आप हल्दी पीस करके उसका पाउडर बना के आप रख लीजिए। हमारे शरीर में टॉक्सिन जमा हो जाता है, इसलिए भी हमें कमजोरी महसूस होती है। तो आप अपने शरीर की गंदगी को कैसे निकालें, टॉक्सिन्स को कैसे बाहर निकालें, इसका उपाय है ये हल्दी पानी। आप 1 गिलास गुनगुना पानी में 1 चम्मच हल्दी मिला करके रोज़ सुबह खाली पेट पीजिए, आपके शरीर के जो टॉक्सिन्स है, गंदगी है, वो बाहर निकल जाएगी, तो आपकी कमजोरी भी दूर हो जाएगी। एक बहुत ही असरदार उपाय बताने वाली हूँ, ये बहुत ही पुराना उपाय है, हमारे दादा परदादा ये लोग करते थे, लेकिन अब हम अपने संस्कृति को भूल चुके हैं। ये उपाय है, 1 गिलास गुनगुना दूध में 1 चम्मच कलौंजी का पाउडर और 1 चम्मच शहद मिला करके रोज रात को पीजिए। अगर आप रोज ऐसा करेंगे तो फिर देखिए ऐसे चुटकी में आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी, और आप इतनी एनर्जेटिक महसूस करेंगे, मैं सच बात बता रही हूँ, अगर आप 50 गए ना तो आप 30 का फील करेंगे, इतना मतलब आपको ताकत महसूस होगा ये कलौंजी वाला दूध पी करके। जो आखिरी उपाय है वो मेरा फेवरेट है, मैं रोज करती हूँ और अपने बच्चों को भी करवाती हूँ, और आप जब इसे करेंगे तो आप अपने परिवार में सबको सजेस्ट करेंगे, ये आपका भी फेवरेट हो जाएगा। ये है मेरा फेवरेट, रोज मैं इसको फॉलो करती हूँ, अपने घर में बच्चों को भी फॉलो करवाती, एक दिन भी मिस नहीं करती। अगर आप इसको करेंगे ना तो आप भी खुद करेंगे और घर में भी सबको खाने के लिए कहेंगे। ये सब भिगोया हुआ है, ये भिगोया हुआ अंजीर है, ये बादाम भी भिगोया हुआ है, ये किशमिश है, आप मुनक्का लीजिए वो बेस्ट है, लेकिन मुझे मुनक्का नहीं मिला इसलिए मैं किशमिश यूज़ कर रही हूँ। ये भिगोया हुआ अखरोट है और ये खजूर है,
इससे आप नाश्ते में रोज लीजिए, पहले आप इसे खाइए, फिर आपको जो भी अपने पसंद का खाना आप खाइए, इसको रोज फॉलो जरूर कीजिए। आपकी हड्डी कमजोर है, आपको कमजोरी महसूस हो रही है, आप बीमार हैं, आप अंडरवेट हैं, चाहे कैसी भी कमजोरी महसूस हो रही, इसको आप रोज फॉलो कीजिए। इस और इसको अगर आप रोज खाएंगे ना, तो आप रोज खाना पसंद करेंगे, फिर आप ये कभी भी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि इसको खाने के बाद जो ताकत महसूस होती है ना, वो आपको कोई भी चीज़ खाने से महसूस नहीं हुई होगी, ये मेरी गारंटी। आप इसको रोज खाइए, आप बच्चों को भी खिलाइए और आप देखिए इसका असर। ये 5 उपाय कीजिए, कुछ दिन ज़्यादा नहीं, आप 2-3 दिन कीजिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में जा करके आप बताइए कि आपको फ़र्क पड़ा या नहीं, आपको फ़ायदा मिला या नहीं, आपको रिजल्ट मिला या नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।